नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पूछना चाहते हैं कि मायावती जी का समाज के प्रति क्या त्याग है और बहुजन समाज पार्टी के प्रति क्या योगदान और बलिदान है? मैं तो आपके चेहरे में ही माननीय बहन जी का चेहरा देख रहा हूँ। और जहाँ तक माननीय बहन जी के त्याग की बात कही, तो आप एक बहन बेटी हैं और हर बहन बेटी जैसे ही बालिग होती है तो एक दुनिया के सपने देखती है, ब्याह शादी रचाने के सपने देखती है, संतान उत्पत्ति के सपने देखती है, परिवार को बढ़ाने की बात सोचती है। लेकिन माननीय बहन जी ने केवल मात्र एक परिवार बनाने की बात न सोच करके पूरा जो बहुजन समाज है उसको परिवार मान करके उसको समर्थ बनाने की बात, उसको मजबूत बनाने की बात माननीय बहन जी ने सोची। और माननीय बहन जी को जब भी मौका मिला है सरकार चलाने का बहुजन समाज पार्टी की, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमारी आदर्श नेता हैं, तो जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आधारित सरकार चलाई। और जहां समाज के लोगों को दूसरे लोगों ने पट्टे तो कर दिए थे जमीनों के, लेकिन उनका कब्जा नहीं दिलवा पाए थे। तो ऐसी रही है माननीय बहन जी, ऐसा रहा है उनका बहुजन समाज के लिए योगदान कि उन पट्टों पर आज बहुजन समाज के लोग काबिज हैं। जो कभी खेतीहर मजदूर हुआ करते थे आज खेतों के मालिक भी हैं, उनको मकान भी बना करके दिए हैं माननीय कांशीराम आवास योजना के तहत। तो इस तरीके से करके माननीय बहन जी का बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी के लिए त्याग की बात आपने कही, देखिएगा जो बाबा साहेब का चरित्र रहा है वही चरित्र त्याग का बहुजन समाज पार्टी के रचयिता बनाने वाले माननीय कांशीराम साहब का भी रहा है और उनकी उत्तराधिकारी हैं माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका चरित्र भी बिल्कुल बाबा साहेब की तरह त्यागी चरित्र है। जैसे बाबा साहेब के मिसेज का इंतकाल हो गया, वो कुछ भी उनको मदद नहीं कर पाए, उनके बच्चे गुजर गए, दवा नहीं मिल पाई, पैसे के अभाव में दवा नहीं मिल पाई, क्योंकि बाबा साहेब तो हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए संघर्षरत रहे। ठीक उसी प्रकार माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश में बैठ करके, लखनऊ में बैठ करके बहुजन समाज के कल्याण के लिए बात कर रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, और उनकी इतला मिलती है कि उनका भाई ख़त्म हो गए हैं, उनके भाई की डेथ हो गई है। लेकिन बहन जी किसी भी तरीके से विचलित न हो करके अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करती रहें कि बहुजन समाज का कैसे भला होगा, उस प्लानिंग को करती रहें, और वो दिल्ली नहीं आई। बहन के लिए तो भाई का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह का व्यवहार चरित्र माननीय बहन जी का है, त्यागी चरित्र है माननीय बहन जी का, कि उन्होंने परिवार को इतना या भाई को इतना महत्वपूर्ण मान करके बहुजन समाज को महत्वपूर्ण माना, बहुजन समाज पार्टी को महत्वपूर्ण माना, और उसको मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इस तरह का योगदान दिया है। और त्याग इसलिए भी है कि एक बहन बेटी कुंवारी हो करके जिनकी शादी न हुई हो, परिवार को एक तरफ रख करके माननीय कांशीराम साहब ने जो उनको बात शुरुआती दौर में कही थी कि तुम क्या बनना चाहती हो ज़िंदगी में, माननीय बहन जी ने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, तो साहब ने कहा कि आईएएस मैं ऐसा ना बना दूँ आपको क्या आप भी बनना चाहोगी,
कि जो आईएएस तुम बनना चाहती हो, ऐसे अनेक अनेक आईएएस आईपीएस आपके इशारे पर कदम ताल करें, आपका इशारे को नकार ना सकें और आपके इशारे पर बहुजन समाज के कल्याण के लिए काम करते रहें। माने बहन जी ने स्वीकारा। माने बहन जी ने बहुत सारे ऐसे डायलॉग भी सुने अपनी ज़िंदगी में जो लोगों ने बोले, चाहे उनके रिश्तेदार रहे हों, चाहे परिवार के लोग रहे हों, चाहे अड़ोसी पड़ोसी रहे हों, कि जो बर्दाश्त से बाहर थे, लेकिन माने बहन जी ने उन सबको बर्दाश्त किया और बर्दाश्त करने के बाद वो अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहीं और मान्यवर कांशीराम साहब का कहना मान करके साहब के ही समय में 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही, आज भी हैं वो और बहुजन समाज पार्टी के लिए मजबूत बनाने में हर कदम हर क्षण वो अपनी ज़िंदगी का लगा रही हैं। तो ये कोई कम त्याग नहीं है। इसलिए आपने जो जिक्र किया माने बहन जी को, देखिएगा इतना अनुशासन कि उनके अनुशासन में रहते हुए बहुजन समाज पार्टी का कितना ही बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं है। माने बहन जी को बड़ा मान सम्मान देता है और वो इसलिए भी है कि मैं भी जो बैठा हूँ माने बहन जी से सीखा हूँ, मान्यवर कांशीराम साहब से सीखा हूँ। माने बहन जी की सरकार में चलो हम मंत्री न रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से तो माने बहन जी ने स्वीकारा है। तो जब हम देखते हैं कि आज जब हम फलीभूत हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी फलीभूत है और सब कुछ बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। आज हमारे पास सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा विधान परिषद में हैं विधायक, विधान परिषद में विधानसभा में हमारे एमएलए हैं और कई प्रांतों में हैं, वोट है, वोट परसेंटेज है, समाज हमारे साथ है। तो बहुजन समाज ने भी जब ये देख लिया कि माने बहन जी का त्याग ऐसा है जो एक साधारण व्यक्तित्व के बस की नहीं है, इतना बड़ा त्याग करना, तब आज माननीय बहन जी बहुजन समाज की और बहुजन समाज पार्टी की और यहाँ तक के सर्वजन समाज के एक आदर्श नेता हैं और यही त्याग की मूर्ति है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।